न्यूज नरारी का जितना भी दर्शक है उनके लिए तो मैं एक खास बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि मन ने भी अभी पता चल रहा है, शायद थार से पहले मैं चालू कर दूंगी। ये एक चला रखी स्कीम बड़ी ऐसी, टॉप कमेंटर अगर ते बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हो और टॉप कमेंट में आ रहे हो तो थाने मिल सका एक स्मार्ट वॉच। देख लो पहले मैं ले जाऊंगी, इले जल्दी से जाकर कमेंट कर लो। राम राम जी, मैं सुनीता चौधरी, स्वागत है थारो न्यूज धोरणी पे। तो आज आप आए हैं चिड़ावा जड़ापा, बात कर सकते हैं कॉमेडियन अंकिता योगी जी सर। राम राम जी। राम राम जी, और धन्यवाद न्यूज धोरारी ने और मेरी पूरी पब्लिक ने कि थे मैंने ये लायक समझो कि मेरा इंटरव्यू लेने आया हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब थे आओ तो मैं एक अलग ही मैंने मोटिवेशन मिले कि हाँ अपने बारे में भी पब्लिक तक बात जा रही है। तो मैम सुनने में आ रही है कि 27 तारीख में कोई प्रोग्राम है, तो क्या प्रोग्राम है वो? 27 तारीख ने दा सेखावाटी वार्ड 2 नाम से एक डांस कंपटीशन है वो होने जा रहे हैं जी का अंदर। सेखावाटी एरिया की 15 स्कूल का बच्चा पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ये जो डांस है वो एक ग्रुप डांस रहेगा जी का अंदर पे, एक मैसेज देगा पब्लिक ने, एकदम कल्चरल प्रोग्राम रहेगा हमनो जी का अंदर। सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में जो है हमारे राजपाल जी यादव आ रहे हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन आ रहे हैं? इसके अलावा हमने मुख्य कलाकार में देखा हरियाणवी सिंगर मावी दादरी वाला, राजस्थानी सिंगर सुमसा सुपारी, और फैशन लाइन में आज आपकी जो पहचान बना चुका अनूप जी चौधरी, और एक साथ ही एक जो छोटो बच्चो है वो भी इन दिनों में जो मेरे साथ साथ ई लाइन में फैशन के लाइन में आज बहुत आगे जान लाग रहे है, सुख चौधरी। तो ये सब हमारा गेस्ट रहेगा। तो यहाँ कॉमेडी की बात करिए तो कॉमेडी की शुरुआत कब से हुई? कॉमेडी की शुरुआत है वह एक लॉकडाउन के बाद से हुई। लॉकडाउन के अंदर में वीडियो फोन बनाया क्योंकि तब तो यही सोचता कि चलो ठीक है एक बार, तो क्योंकि लॉकडाउन एक आया कि सिचुएशन थी कि शायद आप वो चीज़ में सोच भी कर सका ये सब चीज़ें। लॉकडाउन के बाद जब पता चलो कि ई लाइन में थोड़ा स्कोप है और जाएंगे मैं फ्रेंड्स बैठता तो कि मस्ती सब करे, लेकिन बी चीज़ ने अगर कैमरा के सामने थे प्रमोट कर सको तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम में कि खुद का कंटेंट बनाऊं। एक तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात हो गई, कॉन्फिडेंस और सपोर्ट वो कड़े से मिलेगा? कॉन्फिडेंस और सपोर्ट की बात है देखो, पहली तो फैमिली है, फैमिली के अलावा अगर मैं बात करूं जो ई लाइन में मेरे सपोर्ट करे हुए है, जो हमारा विजय लक्ष्मी स्टूडियो जी के अंडर हमारा सारा काम हुआ है, उनका ओनर जोनी है जो हमारा स्क्रिप्ट राइटर से लेकर DOP सारी चीज वे ही हैंडल करे। तो जी यहाँ टीम बनाने को आईडियो यू की को थो और क्या बनिया? अगर टीम की मैं अगर बात करूं तो जो आज मेरी टीम है बस सिर्फ मेरा फैमिली मेंबर है, जहाँ जो काका को जो हमारा करेक्टर करे हैं वे हमारे अंकल लग हैं जो कि हमारे पड़ोस में ही है, और एक अलग छोटी है वो चाचा को लड़को है। जो टीम है वह हमारी एक फैमिली ही है, कोई बाहर से आमनागन को नहीं। तो जहाँ की थारा फेमस डायलॉग के बारे में बात करा तो वे कौन सा रहे हैं? फेमस तो यू है कि जहाँ की आजकल थोड़ा सीजन है वो बारिश को और आंधी को चाल रहे हो, तो मैं एक बार आई मैं छोटिया बाघ आंधी आ रही है, तब छोटिया बेचारा के एक दुखी हो रो बोलो बोलो भाभी आंधी लंगड़ी लुल्ली कानी कोई सी तो आन दे। तो ये फेमस है, ये बहुत अच्छो चाले थे ये वीडियो। तो जाएंगे DJ पे बात करी जाए, हर वीडियो में DJ बाजे, तो रियल में भी कभी DJ बजाओ? रियल में डीजे अभी तो कौन है, लेकिन बाजे को एक दिन तो बिल्कुल एक दिन तो बाजे ही को, लेकिन वो टाइम अगर आइडियो है तो नहीं आइडियो तो कुछ ही कोने है, बट इतनी है कि जब आवा एक वो मुकाम पर पहुंच जाऊंगा ना जो वो क्या करे बोले वो लिखी लिखी होया करे, तो जब लिख रखी है भगवान जी वो दिन हो जाऊ। तो अब आगे फ्यूचर के बारे में क्या प्लानिंग है थारी, जहाँ कॉमेडी का मायने ही या फिर और कोई फील्ड भी है? नहीं कॉमेडी एक मेरा करेक्टर है, लेकिन जो मेरी मेन है वह एक एक्टिंग लाइन है, तो एक्टिंग लाइन में देखो मैं कॉमेडी के अंदर भी थे कई बार देखोगा मैं इमोशनल से लेकर कॉमेडी हर करेक्टर है वो मैं करूँ हूँ, तो मेरा मेन है वो एक एक्टर बनना को है। तो ई फील्ड में तैयारी शुरू कर दी एक्टिंग में? बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और काफ़ी जगह भी मैंने काम भी मिलने लागो है। अभी रिसेंटली मेरा सीरियल है जो स्टेज है पाओगो चौधरी साबरी चतुर फैमिली जी का अंदर मैं मेन करेक्टर करे है, और इसके अलावा बॉलीवुड मूवी में भी काम करके आई हूँ नीतू कपूर जी के साथ। तो अभी दर्शकों के लिए थोड़ा डायलॉग हो जाए ताकि उनको भी एंटरटेनमेंट हो जाए? बिल्कुल क्योंकि दर्शक उनके वजह से याद आ पा रहे। हाँ तो बिल्कुल मैं कहूँगी, एक बार तो थारी बात बता दूँ, एक आदमी बोले और छोटी आई बोले भाभी मैं एक बात पूछू था ना, पूछ भाई छोटिया बोले मैंने एक बात बताओ ये न्यूज आ रहा है मैंने कहा हाथ का कौन दुखा है मुल्क यार है के बात हाथ क्यों दुखा और के तो बोले ओट बडो अखबार
छोटा छोटा कहीं लिखता होगा भी। अरे मुको तू रहन दे, स्कूल में गए डो, खाली तू बाहर दुनिया में कौन घूमे अभी। तो वह चीजें हैं वहां छोटिया, तो बेचारो बोलो रह गो जने लुगाई को नहीं आ रही अभी तीन भी। तो अभी दर्शकों ने कोई कंटेंट देना चाहोगा अभी हमारे दर्शकों ने? कंटेंट तो देखो आज के टाइम पे मेरे हिसाब से काफ़ी कंटेंट है, मोटिवेशनल से लेकर आप कॉमेडी है, कॉमेडी एक आया को जरिया है मेरे हिसाब से। आज इतना प्रेशराइज, इतना लोग बिजी हो चुका है खुद की लाइफ में लेकर कि क्यों होगा, इतनी टेंशन है, तो कॉमेडी एक जरियो है जरना थोड़ी सी खुशी है बा आप देश का बढ़ना है। मोटिवेशनल की बात करें तो आजकल इतना जो कांड हो रहे हैं देखा वहाँ, कदे बलात्कार, कदे चोरी, कदे मर्डर, तो उन चीज़ों के ऊपर भी आप बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बना सका हाँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं कंटेंट के लिए, तो आप रियल लाइफ में ही उतार सका, मेन बात तो यही है। अभी के बारे न्यूज़ दरारी का जितना भी दर्शक है, अच्छा न्यूज़ दरारी का जितना भी दर्शक है उनके लिए तो मैं एक खास बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि मन ने भी अभी पता चल रहा है, शायद थार से पहले मैं चालू कर दूंगी। ये एक चला रखी है स्कीम बड़ी ऐसी, टॉप कमेंटर अगर ते बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हो और टॉप कमेंट में आ रहे हो तो थाने मिल सका एक स्मार्ट वॉच। देख लो पहले मैं ले जाऊंगी, इले जल्दी से जाकर कमेंट कर लो। धन्यवाद, थैंक यू मैम।